गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है अपनी बुक्स जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है हाइट वुड एंड सेल्फ वुड। हाइट वुड एंड सेल्फ वुड, हाइट वुड और सेफवुड। हाइटवुड को तो जो है हिंदी में अपने अंते कास्ट कहा जाता है और इसको रस दारू, तो अच्छा ये रहेगा कि आप जो है इनकी इंग्लिश टर्म है वो काम में ले, जिसे आपको आसानी रहेगी, यानी कि पढ़ने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी और उच्चारण है वो भी आसान रहता है अपने साइंस में। तो यहाँ हार्डवुड और सेफवुड, तो हार्डवुड की बात करें अपने डेसीसियस यानी कि जो पर्णपाती वृक्षों को छोड़कर अधिकांश जो वुडी प्लांट्स या वुडी ट्रीज जो है इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि द्वितीय कास्ट है इनकी सेकेंडरी जो वुड बनती है उसमें कुछ भाग जो है सेंटर की ओर, वो तो केंद्रीय भाग जो है गहरे रंग के होते हैं, गहरे रंग के क्षेत्र के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इन्हें तो क्या कहेंगे, गहरे रंग के क्षेत्र, इसमें सेकेंडरी जो वुड बनती है कास्ट बनती है उसमें गहरे रंग के क्षेत्र, इनको तो हार्डवुड, और जो अपेक्षाकृत कम हल्के रंग के क्षेत्र होते हैं इनके वनस्पत जो है अब रिलेटिवली जो है कम गहरे रंग के, इनको क्या कहते हैं, सेफवुड या रसदारू कहा जाता है। हार्डवुड को ड्यूरामेन भी कहते हैं, क्या ड्यूरामेन, जबकि जो ये सैफवुड है इनको एल्बर्नम भी कहते हैं। तो हार्डवुड जो है यानी कि सीधा सा अंतर अगर अपन देखें तो हार्डवुड क्या होगी, गहरे रंग के क्षेत्र युक्त जो वुड है वो, और जो दूसरी ओर सेफवुड है वो क्या है, कम गहरे रंग के क्षेत्र युक्त जो वुड है वो क्या, सेफवुड कहलाती है। और इसको जो है अपन ड्यूरामेन भी कहते हैं और इसको एल्बर्नम भी कहते हैं, यानी इनके। फिर जो हार्डवुड है इनमें अगर अपन बात करें हार्डवुड और जो सेफवुड, हार्डवुड में जो है गौन यानी कि क्या होगा, जो गम टैनिन रेजिन इत्यादि पदार्थों का जमा हो जाता है, डिपोजिशन होता है, संसेचन होता है, क्या डिपोजिशन, जिसके कारण इन पदार्थों के जमाव के कारण ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, गहरे रंग के क्षेत्र दिखाई देते हैं, यानी ड्यूरामन रीजन्स में गम टैनिन रेजिन का डिपोजिशन या संसेचन, जिसके कारण ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र की जो सेल्स है
वह डेड होगी और वाटर कंडेंसेशन जो है वाटर कंडेंसेशन अपेक्षाकृत कम होगा या जो है वाटर कंडेंसेशन के लिए अनुपयुक्त होती है यूजलेस होती है यहाँ पे जो वाटर कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। अगर अपन इनकी पोजीशन की एक स्थिति की बात करेंगे डायग्राम की तो इस प्रकार की ये जो अपन को मैं तो एक ही रीजन की बात कर रहा हूँ, इसमें कई रीजन की जो सेल्स होगी और ऑटोमन और स्प्रिंग ये ऑटोमन तीन जो है वो अभी तो पॉजिटिव है, दूसरा तो जिसमें कि यानी कि अपन बात करें कि या अपन ने बात की सेकंड हार्टवुड की, हार्टवुड में जो गम टेली रिच रेजिन यदि परदो ऑटोफाइन का डिपोजिशन जिससे सेल्स डेड हो जाती है और ये सेल्स डेड है वो वाटर कंडेंसेशन के लिए कम उपयुक्त होती है, इसको क्या कहते हैं हार्टवुड। हार्टवुड दूसरी और ये क्या है यहाँ पर मेड्यूलरी है, मेड्यूलरी रे और इनके बाहर की ओर फिर अपन बात करें तो ये जो सेफ फूड बनती है वह भी रिलेटिव में यहाँ पे सेफ फूड में जो है अगर अपन बात करते हैं तो सेफ फूड जो है सेल्स है वो लिविंग होगी, लिविंग सेल्स और लिविंग होने के कारण जो है इनमें वाटर कंडेंसेशन होता है, वाटर कंडेंसेशन होता है, जल चालन होता है और इन पदार्थों का जो जमाव है वो नहीं के बराबर होता है। इस वुड के केवल कुछ बाहरी रिंग्स में ही जल चालन का कार्य करती है, बाहरी रिंग जो है वाटर कंडेंसेशन का कार्य करती है और भीतरी जो रिंग है कुछ भीतरी वाले जो है स्टोरेज का कार्य भी करती है। और चूंकि वाटर कंडेंसेशन का कार्य मुख्यतः सेफ वुड के द्वारा ही होता है, ये हमने बात की सेफ वुड के द्वारा ही वाटर कंडेंसेशन का कार्य होता है, अतः एक खोखला स्तंभ इस प्रकार का स्टेम जो कि अंदर से जिसमें जाइलम है जो कि हार्टवुड है वो खत्म हो गई यानी खोखला है तो उसमें वो कई वर्षों तक जीवित रह सकता है क्योंकि उसमें वाटर कंडेंसेशन होता है। इसी प्रकार पौधे की एज के साथ साथ जो ये सेफ वुड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हार्टवुड में हो जाती है। ये सेफ वुड में भी जो है गॉन, टैनिन और रेजिन
इत्यादि पदार्थों का जमा होने के कारण कारण ये जो है क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ये सेफ फूड भी किसमें चेंज हो जाएगी, इस हार्ड वुड में चेंज हो जाती है। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है बहुत धीमे धीमे होती है। सेफ फूड की जो सेल्स है उनका प्रोटोप्लास्ट यानी होगा क्या, इनका प्रोटोप्लास्ट ही तो है जिसके कारण ये जीवित रहती है, प्रोटोप्लास्ट। वो धीरे धीरे किस इन पदार्थों के जमाव के कारण गोंद टेनिन रेजिन इत्यादि और सुबेरिन पदार्थों के जमाव के कारण धीरे धीरे डेड होने लग जाता है, या अपने ऐसे दूसरे शब्दों में कहते हैं गोंद टेनिन रेजिन सुबेरिन इत्यादि पदार्थों का जो स्टोरेज है वो इन सेफूड की सेल्स में प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ये अंतकाष्ठ ये जो सेफूड है वो हार्डवुड में चेंज हो जाती है। हार्डवुड और सेफूड का अनुपात है वो अनुपात यानी रेशो और रंग में भिन्नता पाई जाती है। हार्डवुड की जो है गहरे रंग की और सेफवुड की जो वुड है जाइलम क्षेत्र, ये पूरा क्या है जाइलम यूजली तो है जाइलम सेकेंडरी जाइलम, तो ये इसके रंग में कलर में और सेफ में अंतर पाया जाता है। और वो अंतर जो है स्पष्ट रूप से तो किसमें हार्डवुड और सेफवुड में जो कलर में रंगभेद है वह स्पष्ट रूप से तो स्पष्ट रंगभेद यानी जो कलर में अंतर है डिफरेंस है वह फाइनस रॉक्स बरगाई में तो स्पष्ट। इसके साथ साथ पाइनस रॉक्स वर्गाई डलबर्जिया सिसु और एल्बिजिया लेबेक इनमें तो स्पष्ट रूप से और कम स्पष्ट जो है डलबर्जिया सिसु में और एल जो है सोरिया रोबस्टा में ये जो है वुड एक ही कलर की लगभग दिखाई देती है, और अस्पष्ट रंगभेद यानी कि जो कलर में जो चेंजेस नहीं दिखाई दे हार्डवुड और सेफवुड में वो किसमें एबिच पिंड्रो। इसके साथ साथ अगर अपन इस हार्डवुड और सेफवुड में हार्डवुड की अगर अपन बात करें तो इसका जो कलर है इससे हार्डवुड से हमें इस हार्डवुड से पिगमेंट प्राप्त होते हैं, पिगमेंट्स युक्त होती है और इससे हमें पिगमेंट भी प्राप्त होते हैं, जैसे हिमेटोजाइलोन कैम्पेचिनम हिमेटोजाइलोन जो कैमेचिनम स्पेसीज है इससे हिमेटोजाइलिन प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो सीजल पीनिया शपान जो स्पीसीज है इससे हमें सिजलपीनिया सेपान से ब्रेसिलिन प्राप्त होगा, ब्रेसिलिन
लीन। सीजर पीनिया सेपान से क्या ब्रेसिलिन पिगमेंट प्राप्त होगा। इसी प्रकार टेरोपस सेंटिलिस टेरोपस सेंटिलिस स्पीसीज से सेंटिलिन सेंटिलिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो हार्डवुड और सेफवुड में कि अपन ने बात की, ये भी अपने कोर्स में जो है और आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हार्डवुड जो सीधी सी अब इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं। तो हार्डवुड क्या है? नॉन लिविंग और जो है जाइलम क्षेत्र जो है गहरे रंग का और इसको ड्यूरामन भी कहा जाता है। और जबकि जो सैफवुड है वह कम गहरे रंग के और जिनको एल्बर्नम भी कहा जाता है। और सैफवुड जो क्या है लिविंग सेल्स होती है और कुछ समय पश्चात ये भी जो है हार्डवुड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये हार्डवुड और सैफवुड की बात की स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू।